हेलो गाइज, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। होप करता हूँ आप सभी मेरी तरह बढ़िया होगी और बढ़िया ही रहना। आज दिन है संडे का और हम निकल रहे हैं छोटी सी राइड पे। तो सबको गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा। चलते हैं छोटी सी राइड पे। ये है कुकावा हाईवे रोड, ये आ गया है सर्कल। ये स्वामीनारायण मंदिर का गेट बनाया हुआ है, हमें जाना है यहाँ से सीधे। उत्तरेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं। संडे है तो थोड़ी देर अभी मॉर्निंग में घूम लेते हैं। संडे है तो क्यों ना सोचा राइड का मज़ा उठाया जाए। रोड भी अभी बहुत खाली है, देखिए एकदम ग्रीनरी बहुत मस्त बढ़िया सी है, देखने को बड़ा ही मज़ा आता है, सुकून मिलता है। इसी वजह से मुझे ये बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। ऐसी जो ग्रीनरी वाली जगह हो वहाँ पर जाता हूँ घूमने के लिए। आज संडे है तो सोच लिया कि क्यों ना आज भी थोड़ी सी छोटी सी राइड हो जाए। भाई आई थी जो भाई, चल के देखते हैं। शायद तो यहीं से जाया जाता है लेकिन पक्का मालूम नहीं है मुझे, यही रास्ता है। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। ठंडी का मौसम है तो थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए धूप तो निकल चुकी है लेकिन धूप लग महसूस नहीं हो रही है। बाकी व्यू एकदम कमाल का है, मज़ा आ रहा है बड़ा ही। आप लोगों में से किसको ये ऐसे रास्ते पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो जो ये वीडियो देख रहे हो व्यूअर कहाँ से है वो मुझे जानना है, तो आप अपना शहर का नाम या गांव का नाम जो भी जहाँ भी आप रहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे व्यूअर देख रहे हैं हमारी वीडियो। चाचा देख रहे हैं कि हेलमेट में क्या लगाया हुआ है। मुझे तो ऐसे रास्ते बहुत बहुत ही पसंद है, बढ़िया है लेकिन यहाँ से जाना। यहाँ से इधर को जाना है या सीधा जाना है वो मुझे पक्का मालूम नहीं है, इधर से सीधा ही जाना है मेरे ख्याल से। तो नहीं ओलो रस्तो न जातो जाए ये न जातो तो अहीं थी न जवाय अहीं थी। हां પછી ખબર નથી ઓ મને ભાઈ એ વાત वो पहले वाला रास्ता था वो हमने गलत रास्ता ले लिए थे। વાળવાનું જશો ને બાકી ખબર ને લગભગ સીધું જવાનું ભાઈ, આ વાળવાનું નથી પેલા પછી આવે વાળવા, હા વાળવાનું પછી આવે આવા છે બસ વેલ છે નહીં આવા बिल्कुल छोटी सी सड़क है, देखिए सड़क तो नहीं कह सकते इसे लेकिन यहाँ पर तो हम इसे गाड़ा गेड़ा कहते हैं, गाड़ा गेड़ा। हाँ वो जो बैलगाड़ी है ना उसका उसकी सड़क। हम ऐसी भूतड़ी आई थी जो भाई सीधे ना आना तो जो बहुत नुकीले पत्थर तो भाई। ओ माय गॉड काटा, हेलमेट काट ना क्वादे काटी
पहुंच चुके हैं हम पुतलेश्वर महादेव। ये आगे है उसका गेट। देखिए सामने बिल्कुल दिख रहा है वो मंदिर है, दोनों ओर ग्रीनरी है मस्त। यहाँ पर साइड में बाइक लगा देता हूँ अपनी। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुतलेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये बिल्कुल ये चारों ओर यहाँ पर खेत ही खेत है, इनके बीच में आया हुआ है, बहुत दूर है गांव से, शायद 3 किलोमीटर करीब होगा। और यहाँ पर चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये मंदिर के पीछे का व्यू देखिए, इस ओर खेत है, इस ओर छोटा सा ये गार्डन है, गार्डन तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं चारों ओर। यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, इधर दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी आपकी वहाँ तक खेत ही खेत दिखेंगे। ये पुतलेश्वर महादेव की जगह है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर ये गार्डन है छोटा सा। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे पक्षियों की और गिलहरी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर जो घूम रही है, लेकिन मैं पास में जाता हूँ कैमरा लेके तो वो भाग जाती है। और किसी भी तरह की आवाज़ नहीं है, एकदम शांति है। ऐसे पास की मज़ा यहीं पर है, सब और ग्रीनरी ग्रीनरी है। एक बात आप सबसे बताना चाहता था कि आप लोग मेरी वीडियो जो हिंदी में देखते हैं उस हिंदी में पसंद करते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो अगली वीडियो जो आने वाली है वो गुजराती में बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सी हिंदी में वीडियो देखनी अच्छी लगती है या फिर मैं गुजराती में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगली जो राइड अपनी होने वाली है वो अल्टीमेट होने वाली है, जंगल के बीच से जाने वाले हैं हम लोग, तो एकदम बढ़िया सी राइड होगी वो। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इसलिए मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि वीडियो में क्या क्या बदलाव किए जाए। आप लोग कमेंट करेंगे तो तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगती है। तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। होप करता हूँ आप सबको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।